हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्योरली हैंडमेड क्राफ्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम किड्स के रूम के लिए ये ब्यूटीफुल सा नेम प्लेट कैसे बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर दिस नेम प्लेट आई एम यूजिंग दिस कार्डबोर्ड। ये एक्चुअली केक का जो बेस होता है उसमें से कट किया हुआ है। अगर आपके पास इस टाइप का कार्डबोर्ड नहीं है तो आप दो पीसीस को आपस में स्टिक भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ होममेड जैसो। अब मैंने उसी कार्डबोर्ड में से ये दो छोटे छोटे क्लाउड्स बना के कट कर लिए हैं। इन्हें हम ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे और ड्राई होने के बाद इन पर भी जैसो अप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये एक गर्ल के लिए है तो इसलिए मैं बेस कोट के लिए अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर। आप चाहो तो अपनी चॉइस का कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। कलर के ड्राई होने के बाद मैंने इस पे पेंसिल की हेल्प से नेम लिख लिया है। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसमें ब्लैक कलर कर रही हूँ। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप परमानेंट मार्कर की हेल्प से भी ये कलर कर सकते हैं। अब हम क्लाउड्स में भी वाइट एक्रेलिक कलर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ ये बच्चों के हेयर पिंस। इनके एम्बेलिशमेंट्स मुझे काफी क्यूट लगे थे, मैंने इसी वजह से इन्हें परचेज किया था। ये काफी टाइम से मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे तो आज मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। तो मैं एम्बेलिशमेंट को बहुत ही आराम से पिन में से निकाल लूँगी। अब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ इन्हें अपने नेम प्लेट पे पेस्ट कर देंगे और इन्हें अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब नेम प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पे अप्लाई करेंगे मॉड पॉज ग्लू। और ग्लू के कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया है वॉर्निश। अब नेम प्लेट को हैंग करने के लिए मैं पेपर क्लिप में से ये पिन निकाल लूंगी। आप इस पिन की जगह पे कोई भी वायर या कोई रोप भी यूज कर सकते हैं। इस पिन को हम एमसील की हेल्प से अपने नेम प्लेट पे स्टिक कर देंगे और इसे कंप्लीटली ड्राई होने देंगे। Now a very cute nameplate is ready for your kids room. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा and please subscribe to my channel. That's all for today's video. मिलते हैं next video में। Till then take care and goodbye.